आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। है क्या प्राधिकरण, समझ क्या रहो अपने आप में? इसे जरा भी शर्म ना लगती, देखता नहीं है क्या? गरीब आदमियों को समझता नहीं है कुछ भी है? जो मन में आता है वो करता है, कभी कुछ कभी कुछ। सुधर जाओ प्राधिकरण वालों, तुम में ना कुछ भी ठीक है, सब कुछ होगा प्राधिकरण। क्या क्या अधिकारी है, और दिन का जैसा काम करें, किसान तक जाते जाते वो हवा में उड़ जावे। किसी स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए कोई काम नहीं करा पाया, 4 करोड़ का काम हुआ तो किसान एकता संघ के किसी को मनोबल नहीं करना। दूसरे आप सब बैठे, मैं फिर आज कह रही हूँ, ऐसी बात कर रहे हो आप, ऐसे रोक दोगे और आप रोक ना पाओगे तो जेल तो चले जाओगे। डर के पीठ मत दिखाइयो, दावा मेरो सबसे आगे हम रखे। घर में जो चूल्हे पर रोटी बना रही है ना, एक दिन उन्हें भी ले लियो, अपनी ताकत और उनकी ताकत अजमाए कर देख लियो। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। मातृशक्ति भी आपकी तरफ बहुत बड़ी ताकत लेके बैठी है, चाहे वो घर में झाड़ू और चौका का काम क्यों ना कर ले, लेकिन उन्हें खड़े करके तो देखो। लेकिन समस्या क्या है, हम खुद तो है लेकिन हम अपने घरों से निकालना नहीं चाहते। आपको अगर माँ काम ही करती रहे, बच्चा गोद में बैठो रहे, खेल रहे, तो दूध भी ना पिलाएगी। आप रोओगे ही ना, हाथ पांव भी ना मारोगे, चलोगे ही ना, तो घर में बैठ के तुम्हें कोई ना देने वाला, बिल्कुल ना देगा, बल्कि जो मिलना होगा वो भी ना मिलेगा। और यहाँ भरोसे मत बैठो ना, सोरन प्रधान लड़ रहा है या बेगराज भाई लड़ रहे, इन्हें मिलेगा तो हमें मिल जाएगा, कतई इन्हें मिलेगा तुम्हें ना मिलेगा। अगर आदमी लड़ने की ताकत रखेगा तो वो लेके रहेगा अपने हक के, हर हाल में ले लेगा। आप सब लोगों का साथ है, इसीलिए इसमें इतनी हिम्मत है और हम सब देश की नारी है, हम ऐसे ही आवाज उठाएंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।